विन के रूप में देखना चाहते हैं पहले तुमने पहले तो मैंने ये कहा ही नहीं जी आ, हमने इंटरव्यू में भी सुना है और हमने क्या, दे... क्या, मेरे अच्छा, लाइफ के अच्छा कोई बॉस आपके मॉम एंड डैड हैं जी हाँ तो I मैं think. अपने बच्चों का बिग बॉस होना चाहूंगा क्या आ, आ, क्या सलमान एक एक अच्छे मतलब हस्बैंड के रूप में आ सकते हैं आगे जाके। क्या नहीं थी आप नहीं नहीं हस्बैंड हैंडसम yeah. yeah. तो आप है ही एक हस्बैंड के रूप या, में या रिलेशन में हस्बैंड का पता नहीं हस्बैंड का पता नहीं क्योंकि वाइफ गोल है बच्चों का <laughs> मैं आपको गारंटी दे सकता हूं सलमान एक रिलेशन में आ सकते हैं क्या हमने सुना है आपके बारे में कुछ अफेयर या फिर कुछ लिंकअप सुनने में आते हैं तो क्या एक रिलेशन में आ सकते हैं सीरियस रिलेशन में सलमान कभी हो सकते हैं आपको बड़ा इंटरेस्ट है मेरे रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा आपको जलन हो रही है आप बताइए तो सही पहले क्या रिलेशन में है सलमान या फिर हो सकते हैं आगे जाके अगर मैं नहीं हूं तो आप आ जाएंगे रिलेशनशिप में मेरे साथ <laughs> इसी में आप ही का चॉइस है हमारा कोई चॉइस ही नहीं इसमें yeah. तो yeah. आपके लिए <laughs> आप किलिएव अ क्वेश्चन फॉर कुनाल Kunal. Hi. Yeah, hi. Um, this is the first time. Sure about that. Salman, 28th October is the final disposal uh, in the Black Buck hearing. So, would you have? I any don't think we should that? take any questions that's not related to the evening. Yeah. Any, any other question? Yeah. Okay. There. Yeah. Can you give her yeah, a mic, mic, mic please? Was... Please give a mic. हेलो सलमान जी लास्ट बिग बॉस के सेवन सीजन में आपके ऊपर एक आरोप लगा था कि आप कुछ लोगों के लिए पक्षपात हो जाते हैं जी जो हाँ, हाँ, लगा था, थे। लगा था, तो इस सीजन में आप उसको कैसे लगा था, बचाएंगे अपने आप मुझे पता नहीं लगा था लगा था आ, कुछ लगा था ऐसा हम लोगों को लगा था देखकर अच्छा तो अभी इस सीजन में आप कैसे अपने आप को उससे बचाएंगे देखिए आप सिर्फ एक घंटे का एपिसोड दे, देखती हैं मैं काफी मैं पूरा सीजन देखता हूं अगर आपने आ, नोटिस किया होगा कि जिस यू you नो know, जिसके ऊपर वो आरोप लगा था वो पूरा के पूरा बिग बॉस घर उसके साथ हो गया था जी बिल्कुल हो गया था गुड इवनिंग सर मिस्टर गुड इवनिंग सर हाउ यू सर Thank Long you. Time, sir. Time. <laughs> time. Achha, on the lighter side, uh, do you think uh, somebody would like to and would hijack the plane? And if done so, what ransom would he demand? <laughs> <laughs> sir, the, Goodly, the only good thing here is me, sir, Abhitakto. <laughs> Salman, he just said that you are being paid for hosting a show and not uh, sorting out inside problems. Uh, but you still do that. So, what kind of Salman we are going to see this Great season? Guy. Are you going to be strict? Are you going to be practical? I don't know. I, I can't decide that. No, I mean, till the time I don't know who the contestants are and what they are and how they're going to behave with each other inside the house, I i can't take a stand on that. I can't you know give you a um, prediction on that. You know, the best thing about the show is I met a woman a lady actually a friend of ours who's got two daughters she watches the show with the daughters and she gave me a different angle to it she said i watch it with my mother who's 65 years old i watch it with my daughters who are 16 and 17 year old and she referred to this show as an education program on human psychology but it is that i believe i totally believe that and that's the reason why i'm a part of this all the time even my mother when she watches the show कि मंडे टू टू थर्सडे इज नथिंग हैपनिंग क्या है बेटा कुछ हो नहीं रहा है इस बार घर के अंदर एंड एज सुन समथिंग हैपन्स अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया अरे डिसाइड कर लो क्या चाहिए माँ कि ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए आपको

गारंटी nee, <laughs> really, really uh, uh, है कि ही से नहीं भाई मुझे वापस से वहां पर डाल दो बिग बॉस हाउस इज वेरी डिफिकल्ट हाउस टू बी इन इज अ रियली रियली डिफिकल्ट हाउस टू बी इन एज मैनी राज सलमान कुछ पूछ रही हूँ सलमान ने थोड़ी देर पहले कहा कि आ, अच्छे पैसे मिले उन्हें इस बार बिग बॉस करने के लिए तो आपके पास मौका है सलमान खुद कह रहे हैं एक दिन के लिए क्यों नहीं आप सलमान को सुबह से लेकर शाम तक घर में रखते हैं आपकी रेटिंग तो फ्लोट होने लगेगी दो दिन घर के बाहर हूँ एक दिन अंदर रखने से क्या फायदा आप सुबह से शाम तक रियल सलमान खान देखने मिलेगा ना लोगों को जाता हूँ ना मैं जाता हूं घर के अंदर विजिट मारता हूं जब जब विजिट मारता हूं तो तीन चार घंटे के लिए होता हूं ये दो ये दो एपिसोड निकाल लेते हैं उसमें से नहीं निकाल लेते पर जब सुबह सलमान नींद में से उठ के ब्रश करेंगे और रात को उनके सोने तक के शॉर्ट्स दिखाए जाएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट लेवल अलग होगा ना ओके लास्ट क्वेश्चन आपका लग रहा है ओके लास्ट क्वेश्चन एंड वी हैव टू वाइंड इट अप प्लीज सलमान सर यस yes, सर आपके शो में हमेशा देखा जाके एक या दो आपके फेवरेट्स होते हैं क्या इस बार भी आने वाली सीजन सर मेरे भी? फेवरेट बन जाते हैं सर होते नहीं है वो बन जाते हैं और कोई फेवरेट नहीं होता है के साथ एक कही ना कहीं मेरे को एक वो जो जो सैटरडे और संडे के जो एपिसोड के लिए ना एक एक कनेक्ट चाहिए होता है जैसे आपको भी एक कनेक्ट चाहिए होता है हम सबको एक एक कनेक्ट चाहिए होता है और मेरी कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं वो वो कनेक्ट मैं उन 12-13 कंटेस्टेंट में ढूंढूं जैसे एक uh, एक संग्राम के साथ कनेक्ट हो गया था वो इंग्लिश गाने का एनडी के साथ हो गया था वो क्या है वो दैट व्हाट दैट सॉन्ग यू सिंग करारे द सॉन्ग नो दैट दैट आलू बड़ी दैट और फिर वो इनकी और संग्राम की uh, कनेक्शन था गाने का फिर एली के साथ वो अंग्रेजी का था और गोहर के साथ वो थोड़ा सा हाइपर था फिर अरमान था तो ये सब ये सब मुझे एक एक वो कनेक्ट चाहिए होता है तो जब तक मुझे वो कनेक्ट नहीं मिले यू you नो know, क्योंकि क्या होता है कि सडनली यू आर एंग्री एंड देन फ्रॉम दे यू गो टू स्विच ओवर तो आप वो स्विच कैसे करोगे जब तक संग्राम गाना नहीं गाए एंडी कॉमेडी नहीं करे यू नो एली कि इनिस नहीं छलके हाउ यू गोइंग टू चेंज द सब्जेक्ट तो यू नीड दिस डिस्कनेक्ट एंड देन धीरे धीरे ओवर यू नो अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स दैट अफेक्शन स्टार्ट्स कमिंग फॉर द कंटेस्टेंट्स थैंक यू थैंक यू जैसे लास्ट सीजन में स्टार्टिंग में ही ये मेरी टारगेट में थे एंड देन इन अ सेकेंड वन आई रियलाइज के नहीं इज अ रियली गुड गाय Then everything changed around.